तो जी आज की राइड, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट होती है सुबह 6:30 से। एंड दिल्ली में दो तीन दिन से बारिश हो रही है और आज फोगी फोगी मौसम हो रखा पूरा। तो ये मेरी फोगी पहली फोगी राइड होगी इन सर्दियों की। पूरी सर्दियों में मैंने कोई फोग वाली राइड नहीं करी मैं जिसमें फोग हो, इसमें आज फोग है तो देखते हैं देखना क्या। चलिए बाइक होगी वॉर्म अप, हैज़र्ड ऑन कर लेते हैं पहले जी। तो जी एक छोटा सा चेंज आ गया आपको लग रहा होगा, जो मेरी विंडशील्ड थी लंबी वाली वो मैंने आज उतार दी है फॉर अ छोटा सा चेंज ऐसे ही। यानी ये कचरा आप देख रहे होंगे भाई कितना गंदा है, वैसे ये कचरा रहता नहीं है, फिर सैटरडे को मार्केट लगता है शाम को इसलिए कचरा है। अभी वैन आएगी सब हटा देगी। धुंध ज्यादा ही है यार, मतलब ज्यादा कुछ विजिबल हो नहीं रहा है तो मैं स्पीड में नहीं चला सकता। बाकी फॉग पूरा है। एंड मैं आज की राइड के बारे में बता देता हूँ। आज की राइड के हमारे पार्टनर्स बहुत सारे हैं, मतलब नए पार्टनर्स होने वाले हैं, नए नहीं जिनके साथ मैं बहुत टाइम बाद राइड करूँगा। आज की राइड होने वाली है केएमपी की तरफ, पर अच्छे से समझाते हैं। आज की राइड जा रही है केएमपी की तरफ। राइडर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी अच्छी बाइक्स हैं। R3 है, डोमिनार है, RC है, एंड मैं चिराग भैया और नीरज भैया हम तीनों जाएंगे पानीपत की तरफ, क्योंकि केएमपी कुंडली से पहले, मतलब कुंडली के थोड़ी सी बाद में ही केएमपी के लिए निकल जाता है। हम केएमपी नहीं जा रहे, हम जा रहे पानीपत की तरफ, क्योंकि चिराग भैया को एक मैरिज अटेंड करनी है तो उनको 9-10 बजे के आसपास निकलना होगा। एंड आज मेरा एक इंटरव्यू है दिन में। हाँ आप सोचोगे संडे को कौन सा इंटरव्यू होता है, होता है, बहुत बार होता है। मेरा एक इंटरव्यू दिन में तो मेरे को वहाँ जाना है, तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं 70 मैच की तरफ, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। अच्छी राइड होने वाली है, रास्ता अच्छा है। पिछली बार चंडीगढ़ गया था तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था, अब दिखाते हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं वापस लियो वहीं से। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आज की बाइक्स वगैरह दिखा रहा हूँ। सबसे आगे चिराग भैया बुलेट पे, फिर सुभांशु रॉयल एनफील्ड पे, ये इंटरसेप्टर पे, ये बुलेट पे, एंड पीछे एक निंजा है, एक यामा R3 है अपने साथ ही, एक डोमिनार भी आनी थी पर वो आई नहीं। ये देखो मुझे। हाँ यहाँ मौसम साफ हो गया, यहाँ से ही लग रहा है यार। देख रहे हो साइकिल कितनी तेज भागती है हमारी। चलो चलो इंजॉय करो, मिलते थोड़ी देर में। तो भाई अभी बाइक चलानी हो रही है थोड़ी सी मुश्किल, इसलिए हम चल रहे हैं अभी 50-40 की स्पीड में। ओ सागी पूरे में हाँ। देखो भाई अब सानू भाई पीछे करते, भगा नहीं रहा, नहीं भग रही भाई, मतलब पूरी ओस ओस हो चुकी है और भगाया जा नहीं रहा। अब थोड़ी ठीक है, देख रहे तो वह थोड़ा सा प्लान में हुआ है चेंजेस। अभी हम रुके हुए थे यहाँ के एमपी से एकदम पहले 70 माइल जा रहे थे पर अब नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं गोल्डन हट, जो कि है यहाँ से लगभग 300-400 मीटर, थोड़ी सी आगे जाके ये 1 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा वहाँ। इसलिए जा रहे कि फोग बहुत ज़्यादा है, जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लेट हो जाएंगे और हमको वापस घर को निकलना है, घर जाते टाइम भी फोग मिलेगी, इसलिए तो हमने क्या कहते हैं प्लान ड्रॉप कर दिया वहाँ का। पहले राइड थी हमारी केएमपी की लगभग 210 किलोमीटर का होता,
फिर प्लान चेंज कर दिया 70 माइल्स के लिए, एंड अब जा रहे हैं वापस हम वहाँ पे गोल्डन हट। बहुत बढ़िया, मतलब मुरथल में सबसे बढ़िया मेरे को अभी तक गोल्डन हट ही लगा है। लगभग सब ढाबे में जा चुका मैं, पर गोल्डन हट सबसे बढ़िया लगा है। बाइक्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एक ड्यूक अभी आई है, ये वाली यश अंकित की R15 V3 निंजा 300। मेरे पीछे एक R3 है, चिराग भाई की इंटरसेप्टर है, शुभांशु की है, अभिनव की बुलेट है, और नीरज भाई की इंटरसेप्टर है, चिराग भाई की बुलेट 350। चलते हैं अब। तो भाई अभी बेसिकली सीन क्या है, हम वहाँ से निकल गए हैं और अभी एक छोटी सी रेस लगाने वाली है इन दोनों बाइकों के बीच। यही थी बस। एक्चुअली हमारा आज प्लान थोड़े अच्छे अच्छे थे, मतलब हमको ड्रैग रेस भी करनी थी, एक तीनों बाइकों की ड्रैग रेस करते, पर फॉग के कारण कुछ नहीं हो पाएगा। अब आगे चल के देखते हैं। तो भाई बिकॉज ऑफ फॉग कुछ नहीं हो सकता, मतलब अपन को ड्रैग रेस करनी थी तीनों बाइकों की। एक आई नो, या तो मतलब अगर लंबी जाती रेस तो वो जीतती इंटरसेप्टर 360, एंड छोटी में अपनी जीतती। भाई सा पिकअप अपनी का काम थोड़ी ना है, पर पहले मौसम की वजह से नहीं कर पाए, पर अब उसकी वजह से नहीं कर पाए, पर सून आएगी अच्छी ड्रैग रेस आएगी। एक इन तीनों बाइकों की भी हो सकता है कोई और अच्छी बाइक भी आ जाए। आइए तो आज की राइड अपन करते हैं यहीं पे ख़त्म। एक बेसिक सी छोटी सी बढ़िया सी राइड थी, बहुत टाइम बाद में, मतलब चंडीगढ़ से आने के बाद में मेरी पहली राइड थी,
बहुत टाइम बाद में संडे राइड करी और मौसम इतना अच्छा था, पेल नहीं पाए बाइक को ज़्यादा, पर मज़ा आया राइड करके, बहुत अच्छा लगा। ये देखो भाई, अब अच्छा लगा राइड करके, मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था। बेसिकली 10:15 हो चुके हैं, आज हम टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंच के मेरे को थोड़े 2-3 काम है, एक आज इंटरव्यू भी मेरा, हाँ संडे को इंटरव्यू मैंने शुरू में बताया था भाई हमारा, क्या है तो है, अब जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो अभी का प्लान ये है, अब स्वरूप नगर से चिराग भैया हो जाएंगे लेफ्ट अपने घर को, मैं और नीरज भाई आ जाएंगे, नीरज भैया जाएंगे सीधे, फिर नीरज भैया चले जाएंगे सीधे गीता कॉलोनी की तरफ, एंड अपन चले जाएंगे आदर्श नगर की तरफ। तो आज की राइड ये थी, यहीं पे अपनी राइड का एंड अप करते हैं, मतलब राइड थोड़ी देर में एंड अप कर लेंगे, आगे जाके वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो होप्स आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब कर रखा था, आस पास करना सब्सक्राइब। मिलता मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव टू बी ए हीरो।